श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए नई नई बेहतरीन वाली फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ। आपका देखते के साथ ही दिल खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया जुगाड़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन जुगाड़ पर आगे चलने से पहले आप लोगों से कहूंगा, आप लोग मेरे श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन का यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको वीडियो दिखाओ और पसंद आने पर नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूं मैं जुगाड़। कौन से जुगाड़? देखिए इधर, अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए दोस्तों, ध्यान से देखो, अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए 631, 631, 231, 631, 631, ठीक है ना, -631 into 289 plus 289 into 289। दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आ जाए देखते के साथ ही, देखो आपके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है कि आप लिमिटेड टाइम में इन तीनों की गुणा करो, इन तीनों की गुणा करो, फिर इनके उत्तर को इसके उत्तर में जोड़ो, इनकी गुणा करो, इनकी गुणा करो, इनके जोड़ को इनकी गुणा के में से घटाओ। टाइम ये दोस्तों भगवान का दिया, सब कुछ होता है पेपर में सिर्फ टाइम के, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए ध्यान में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, छाप लो इस बात को। यहां बनती है ए की क्यूब बी की क्यूब की शर्त, एक दो तीन, एक दो तीन, और जहां भी ए की क्यूब बी की क्यूब की शर्त आ जाए ना बच्चों, तो बीच में अगर प्लस का निशान है, अगर बीच में प्लस का निशान है ना मेरे भाई, तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। अगर बीच में प्लस का निशान है आपको इन दोनों को जोड़ देना है, और बीच में माइनस का निशान है तो इन दोनों को घटा देना है। तो मेरी ट्रिक क्या निकल कर आई, मेरी ट्रिक निकल कर आई 631 जमा 289, 9 और 1 10 की 0, 8 और 3 11 और 1 12, 920 उत्तर है दोस्तों। देखते के साथ ही ऊपर छाप दोगे आप लोग। अब बात दिमाग में बच्चों के आती है जी, एकदम से ऐसे कैसे मान लें, ऐसे कैसे मान लें कि इनको जोड़ते के साथ ही उत्तर आ जाता है। मेरा आपको जुगाड़ दिया, अगर भी ए की क्यूब बी की क्यूब बन जाए, अगर कहीं भी एक दो तीन, एक दो तीन, एक ही क्यूब बी की क्यूब बन जाए दोस्तों, तो अगर बीच में प्लस का निशान है तो आपको जोड़ना है, और माइनस का निशान है तो आपको घटाना है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक ही क्यूब बी की क्यूब, जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको टारगेट करना है इस जगह। अगर यहाँ प्लस का निशान है आपको जोड़ देना है, माइनस का निशान है आपको घटा देना है। आओ मैं आपको सब प्रूव करके चलता हूं इस बात को, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखो, बस की तो अपने है नहीं कि इन तीनों की गुणा करें, बस की तो अपने है नहीं कि इन तीनों की गुणा करें, दोनों की गुणा करें, इन दोनों की गुणा करें, इनके साथ गुणा करके इनके जोड़ में से इसको घटाकर ऊपर वाले के जोड़ से काटें। बस बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन टाइम नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो पेपर टाइम पे पूरा नहीं होगा। इस दिमाग में एक चीज रख के देखते हैं, प्रूव करा रहा हूं। एक काम करते हैं, इस 631 को ए मान लेते हैं और इस 289 को मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब चूंकि ये तीन बार लिखा है, एक दो तीन, तो ये बन जाएगा ए की क्यूब प्लस का निशान, ये बन जाएगा बी की क्यूब, क्योंकि ये तीन बार है, ये बन जाएगा नीचे वाला ए स्क्वायर, बन जाएगा नीचे वाला बी स्क्वायर, क्योंकि दो दो बार है, और माइनस ए बी। तो मेरे दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है ए की क्यूब बी की क्यूब का, ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर बीच में प्लस का निशान है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपस में एक दूसरे से कट गया, तो क्या बचेगा, a प्लस बी, क्या बचेगा, a प्लस बी। और a की वैल्यू तुम क्या लेके चल रहे हो, 631, और b की वैल्यू तुम क्या लेके चल रहे हो, 289। तो जब वो a प्लस बी बचेगा तो तुम्हें भी तो इन दोनों को जोड़ना ही होगा। इति सिद्धम हैंस प्रूव। इसीलिए कहता हूं, कोई भी ट्रिक कहीं चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान से बन के नहीं आती, यहीं बनती है सादतपुर गली नंबर 1 में, तुम्हारी आंखों के सामने, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन में तुम्हारी आंखों के सामने ट्रिक बनकर तैयार हुई है। एक मैंने किया आप लोगों को, क्या बताया, क्या बताया, जब भी ए की क्यूब बी की क्यूब हो, जब भी ए की क्यूब बी की क्यूब हो और बीच में प्लस का निशान हो, आपको दोनों को जोड़ देना है, आपको दोनों को जोड़ देना है। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई होगी। एक मैं किया, अगला सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, तुरंत फटाक से कमेंट की बाढ़ ला देना रावल नगर में, ठीक है बच्चों। चलो बेटा, यहां पर कमेंट आने चाहिए दबके, पूरे भारत के लोग अब कमेंट करेंगे अपनी अपनी वीडियो के ऊपर। केवल क्रावल नगर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बात, बात अब पूरे भारत तक जानी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो मेरे सवाल का, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर करो, कमेंट में टॉपिक चेंज करता हूं उसके बाद। ये चीज क्लियर हुई सब लोगों को?
सिंपल सी बात है, एक दो तीन प्लस का निशान है, दोनों को जोड़ देना, उत्तर ना है मेरे पास चले आना। 987 987 987 246 246 246 987 987 माइनस, ठीक है। तो बच्चों चलिए ये आपको कमेंट्स में देना है। अब टाइप टू, आज का टाइप टू, अब ये है थोड़ा सा बदलाव क्वेश्चन के अंदर। 0.9 0.9 0.9, 0.2 0.2 0.2, 0.3 0.3 0.3, माइनस पॉइंट माइनस 3 × 0.9 0.2 0.3, 0.9 0.9 प्लस 0.2 0.2 प्लस 0.3 0.3 माइनस 0.9 0.2 माइनस 0.2 0.3 माइनस 0.3 0.9। बच्चों पसीने आ गए बोलते बोलते, पसीने आ गए बोलते बोलते, करने में तो बहुत टाइम लगेगा अगर करोगे तरीके से। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कुछ भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बनता है, ए की क्यूब, देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 3 बार बोले तो ए की क्यूब, ये बन रहा है 3 बार बोले तो बी की क्यूब, ये बन रहा है 3 बार बोले तो सी की क्यूब, और माइनस का 3 ए बी सी। अब की बार मैंने क्या किया, 0.9 को ए माना, 0.2 को बी माना, 0.3 को सी माना। और नीचे देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। दोस्तों यहां भी एक फॉर्मूला कर तैयार होता है, आइए इस फॉर्मूले पे नजर मारिए, फिर देखते के साथ ही आपको ऐसा जुगाड़ दूंगा, आपको पलक झपकाने की भी जरूरत नहीं होगी, देखते के साथ ही उत्तर छाप दोगे पेपर के ऊपर बिल्कुल बढ़िया करके। देखो इधर, देखो इधर फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतने लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, लेकिन अब आपके सामने एक ऐसा जुगाड़ दे रहा हूं कि देखते के साथ ही छाप दोगे पेपर की खोपड़ी पर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए जुगाड़ बनता है अब अपना, अब देखिए जुगाड़ बनता है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, आपने कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इन तीनों को जोड़ देना है, 0.9 0.2 0.3, 9 2 11 और 3 14, 1.4 मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, देखते के साथ ही पेपर में छाप देना बेटा, बिल्कुल छाप देना। आओ प्रूफ भी करके दिखा देता हूं कि कैसे होता है। ऊपर है ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 3 ए बी सी, आप लोगों से बात हुई थी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3 ए बी सी, आप लोगों से अभी अभी बात हुई थी। देखो इधर ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। तो उसी लिहाज से यहां पर 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3, ठीक है ना, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी पूरा का पूरा आ जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी माइनस सी ए। और नीचे तो अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मौजूद ही है, ये देखिए इधर ए प्लस बी प्लस सी, नीचे ध्यान से देखोगे तो ये मौजूद ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों, पूरा पूरा कट जाएगा। और अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो कहीं से भी जुगाड़ बन के नहीं आते, यही बनते हैं दोस्तों, तुम्हारी आंखों के सामने बनते हैं, श्रीराम इंस्टीट्यूट में बनते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है 0.9 0.2 0.9 2 11 1.4, आपका उत्तर है। और ऐसा ही एक सवाल अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है उसका उत्तर, अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका
उत्तर बताना है। ठीक है बच्चों, उतार लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उस वाले सवाल में देखो ध्यान से, इस वाले सवाल में चीजों को एक दो तीन करके फैलाया हुआ था, एक दो तीन करके फैलाया हुआ था, एक दो तीन करके फैलाया हुआ था। ठीक है, लेकिन इस वाले सवाल में उसने सीधा बजाय फैलाने के सीधा क्यूब करके लिख दिया है, सीधा क्यूब करके लिख दिया है। तो फटाफट फटाफट से इस सवाल को भी कमेंट बॉक्स में छाप के रख दो दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया करके छाप दो। डन बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसके जैसा ही, नहीं टाइप चेंज करके, टाइप चेंज करके मैंने आप लोगों को दिया था। अगर किसी सवाल के बीच में माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर किसी सवाल के बीच में माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर माइनस आ जाए तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बीच का साइन ट्रेस करना है। अगर बीच में तो आपको ये माइनस कर देना होगा। अभी मैंने आपको जो पहला सवाल करवाया है वो प्लस का करवाया था, जो मैंने पहला सवाल करवाया वो प्लस का करवाया था, और इस सवाल में क्या आ गया, माइनस। दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी एक फॉर्मूला बनता है, प्रूव करा के चलूंगा अपनी बात को, यहां पर भी एक फॉर्मूला बनता है, प्रूव करा के चलूंगा। ये देखिए इधर फॉर्मूला क्या कहता है, एक दो तीन, इसको ए मान लेते हैं, एक की क्यूब माइनस, इसको बी मान, बी, ठीक है, ये दो बार है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों, क्या किया मैंने, ए को माना 498 और बी को माना 169। ठीक है, और अब खुद देखिए, इधर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बन गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को जो फॉर्मूले को आप खोलोगे, जब आप फॉर्मूले को खोलोगे तो फॉर्मूला खुलता है, माइनस है तो पहले माइनस, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डन बच्चों, पूरा पूरा कट जाएगा और कौन बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। इति सिद्धम, मेरी बात प्रूव हो गई। 498 में से 169 घटा दो, 18 में से 9 गए 9, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 329 मेरा उत्तर है बच्चों। जय श्री राम, जय हिंद। एक क्वेश्चन इसके लिए होमवर्क देता हूं, ठीक है ना बच्चों, एक क्वेश्चन के लिए होमवर्क देते हैं, कीजिए इस होमवर्क को फटाफट से, कीजिए इस होमवर्क को कमेंट्स में फटाफट फटाफट, मुझे इसके उत्तर बताइए। 734 734 127 127 127 734 734 127 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
शीघ्र रूप से।